नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में महानगरों में प्रदूषण कम करने के बड़े अभियान में लगी योगी सरकार नगर बस सेवा के बेड़े से डीजल की बसों को धीरे धीरे कम कर रही है। इसी क्रम में महानगर में नगर विकास विभाग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 42 इलेक्ट्रिक बसों को तोहफा दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ व कानपुर को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ को 34 तथा कानपुर को मिलेंगी 8 बसें। लखनऊ के 8 रूट पर चलेंगी ये 34 बसें। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरों के प्रदूषण में आएगी कमी। उत्तर प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण कम करने के अभियान में लगी योगी सरकार नगर बस सेवा के बेड़े से डीजल की बसों को धीरे धीरे कम कर रही है। इस क्रम में महानगरों में नगर विकास विभाग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 42 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। इनमें 34 बस लखनऊ और 8 बस कानपुर में चलेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त परिवहन सेवा इस समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में तेजी के साथ बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के दो सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहाँ की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर विकास को कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में नगरीय सुविधाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। मैं दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और वहां की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरों के प्रदूषण में भी कमी आएगी। इन सभी बसों के शुरू होने से लखनऊ व कानपुर के निवासियों को आवागमन में आसानी होगी। इससे करीब 15,000 यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी। लखनऊ के करीब 50,000 वाहनों में अब CNG किट लग सकेगी। लखनऊ में 1,75,000 वाहनों में CNG किट के लिए आवेदन किया गया है, जिनमें से करीब 50,000 में चंद रोज में CNG किट लगेगी। BS6 मॉडल के वाहन धारकों ने CNG किट लगवाने के लिए आवेदन किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद RTO कार्यालय ने इन वाहनों में CNG किट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। BS6 मॉडल के सभी वाहनों में CNG किट की फिटिंग गाइडलाइन के मुताबिक होगी। इससे वाहन मालिकों का ईंधन पर करीब 25% धन कम लगेगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।